हेलो पूजा जी, ना कि लुगा आई लव यू। जब पूजा नेपाल से जयगो आएगा ना इंडिया, मैं सोच रहा हूँ कि उसको प्रपोज कर दूंगा सच में। ये बहन कौन होती है, क्यों चला है तुमने? जंगल के अंदर हम लोग खो गए और साथ में स्कूटी भी खराब हो गया गाइस। मूवी एकदम ही बेकार था, इससे बकवास मूवी आज तक कभी नहीं देखा। तो आज के ये ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आपका भाई यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जा रहा है जवान मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमारे गांव पे इधर ना वो थिएटर ही नहीं है, था बंद हो गया अब। और अब जैसे भी करके हमको देखना है जवान, क्योंकि हम पूरा का पूरा डाई हार्ट फैन है हमारे सेनोरिटो, हमारे एसआर के चाचा के। तो हमारे साथ आया है हमारे भाई लुइस। भाई कैसे हो चाचा? अरे वन एंड ओनली यहाँ पे भूटान क्वीन, वाह देख सकते हैं गाइस। और वहाँ पे हमारे छोटे भाई भी रेडी हो चुके हैं और हमारे दो लोंडे बाहर वेट कर रहे हैं गाइस। काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारा कभी चाबी में नहीं मिल रहा था, कभी मेकअप किट नहीं मिला था, मेरा लिपस्टिक नहीं मिला था, सब कुछ मिल गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलिए निकले। हमारे माता जी ने वो उधर से आ रहे गाइस पूजा करके। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। काफी ज्यादा गर्मी है, अभी ना 12 बज चुके हैं, तो ये तड़कता मड़कता धूप में हम लोग जा रहे हैं ना, ये पूरा गोरापन काला रंग में आएगा। बट सबने लगाया ना वो क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन। तूने लगाया भाई? चलो चलो, चलो लेट्स गो। नमस्कार माते, कैसे हो? अभी ठीक है? अभी भी बात नहीं कर सकती बट लगभग लगभग थोड़ा बहुत ठीक हो रही है। दवाई वबाई खा रही है ना, तो दवाई का असर पड़ रहा है। तो क्या हुआ, मुंह में मुंह बहुत ज्यादा घाव होएगा ना? आराम से रहो, रेस्ट करो, ठीक है? हम मूवी देख के आ रहे हैं। 1 hour later। Hey bro, ready? चलो 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 भाई, ओम नमः जय श्री राम। एकदम राइट सेफ हो यार। ओए आराम से, ये मैजिक वाला क्या कर रहा भाई? ओवरटेक वगैरह मत करो यार, इतना छोटा सा रास्ता है, अपना रास्ता चलो यार। हम क्या पुल के नीचे से ले जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? वो काफी धूप है रे। अच्छा हुआ मैंने सनस्क्रीन लगा लिया। और गाइस किसी ने कुछ भी खाया नहीं है अभी तक, ठीक है? तो हम लोग रास्ते में बैठ के थोड़ा सा कुछ खाएंगे, क्योंकि कुछ भी यार काफी दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा शरीर पे एनर्जी चाहिए, उसके लिए खाना पड़ेगा। जब भी अपने गांव के रास्तों पे चलता हूं ना गाइस, जैसे टी गार्डन में कोई काम करते हुए देखता हूं ना, लाइक दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमारा गांव का खूबसूरती ही यही है। देखो गाइस, बचपन में ना ये जो गाड़ी है ना गाइस, इसके पीछे में मतलब झूलता था, जब मैं स्कूल से आता था ना तो झूलता था, बहुत बार गिरा भी हूँ। तुम तो एक बुड्ढी की तरह लग रही हो ला, वो तो सच बात करो आता है, यू नो। लेट्स गो लेट्स गो। पकड़ के रख नहीं हमार, उड़ जाएगा तू फिर। हाँ भाई रेस, भाई छपरी तुम लोग हो, ये देख रहा पीछे ये बुड्ढी सा, ये किसको बैठा के रखा है, ये छपरी को, ये भूटान का? अपने आप को क्या समझती है नल्ली छपरे बेरोजगार, अपने आप को क्या समझता है रे चुड़ैल? हाँ लड़की बिठा के बहुत स्मार्ट, अपने को हीरो समझ रहा मजनू लैला। ओए छपरी नल्ले, कसम से यार बहुत गर्मी है पर फिर भी हम लोग जा रहे जवान मूवी देखने। और किस किस ने जवान मूवी देखा कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग को कैसा लगा, ठीक है? हम लोग जाके मूवी देखेंगे और आप लोग को एकदम हनेस्ट एकदम रियल आप लोग को रिव्यू देंगे। और गाइस अभी तो मैं अपना दोस्त का बाइक चला रहा हूँ ना, तो लाइक बहुत महीनों से दुनिया के सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ गया मेरा बाइक जो अपना रॉकी है गाइस, कहाँ गया? तो नेक्स्ट वीडियो अपने रॉकी के ऊपर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी मूवी देखने जा रहे हैं तो एंजॉय कर रहे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, अपने रॉकी पर वीडियो आएगा। ने छोड़ दिया क्या तुम्हें? किसने? ने छोड़ दिया क्या? मैंने छोड़ा नहीं, उसने मेरे को छोड़ा है। वैसे पता पूजा और हमारा जोड़ी कैसा लगता है? मस्त। पूजा को मैं भी मिस करता हूँ। थोड़ा उस साइड में, अपने साइड में चलो। ये लोग बोलता है कि पूजा के साथ रिलेशन पे आ जाओ, अब हम भी चाहता है, पूजा ही नहीं चाहता तो हम क्या करें? अभी दोस्त है, रिलेशन अच्छा है, आगे जाके कुछ होगा तो बताएंगे। ओए लुइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पूजा नेपाल से जयगो आएगा ना इंडिया, मैं सोच रहा हूँ कि उसको प्रपोज कर दूंगा सच में। डायमंड रिंग के साथ? ओह खूबसूरत वादिया गाइस, हम लोग आ पहुंचे हैं चिलापाता फॉरेस्ट, जो कि आधा घंटा लगेगा ये फॉरेस्ट हम लोगों को क्रॉस करने में। और यहाँ से अभी ना हम लोग का मोबाइल का नेटवर्क पूरा गायब, और यहाँ पे ज्यादातर हाथी वगैरह दिखाई देता है, लाइक एक नहीं पूरा झुंड में। और हमारे जो पीछे अमर साहब बैठे हुए हैं, उसने तो काफी बार यहाँ पे चीता वगैरह भी देखा है, लाइक यहाँ पे अटैक वगैरह करता है ना जंगली जानवर वगैरह। तो सुबह में तो आपका एंट्री मिल जाता है, रात को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइक आप अकेले होते हैं ना तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलता है। आप अच्छे गाड़ी पे हो, ग्रुप हो, तो आपको एंट्री
भी मिलता है। ओ चिलापाता फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है हम जुवन जी के अंदर आ चुके हैं ना। नहीं नहीं एमेंटन दूसरा रास्ता है, ये कुछ भी जाने का रास्ता है। हाँ यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। हाँ चलो चलो चलो, मजे तो इन लोगों का है, हम तो सिंगल लौंडे है जनाब, हमारा तो कहीं भी बस चल जाता है अपने बोका दोस्तों के साथ। ए, गाड़ी आ रहा है। वो मादर फादर ये क्या कर रहा है बे बार बार? हाँ छोटा सा रास्ता है, इतना फुल स्पीड में चला आ रहा है, अभी ठुक जाता तो। A few minutes later. Guys, एक प्रॉब्लम हो गया, हम लोग ना पूरा जा रहे थे ना, हमारा लुइस ब्रो लोग ना पूरा गायब ही हो गया, तो पूरा दूर से हम लोग देख रहे भाई, हमारा भाई लोग दिखाई नहीं दे रहा, पूरा मेरा दिल तो धक धक कर दिया। फिर हम लोग आगे तो देखा कि स्कूटी ही काम ही नहीं कर रहा, मतलब स्कूटी चलना ही बंद कर दिया। और ये बहन ने क्या किया, इसने ऑलमोस्ट ऐसे है ना ऐसे झाड़ी में अंदर अंदर डाल दिया। हाँ उसमें तुम्हारा कुछ गलती नहीं, गलती तुम्हारा है, बहन को देना नहीं चाहिए था तुम्हें। ठीक है मेरे को ना इसका दया आ गया था, इसलिए दिया, अब से जिंदगी में दया माया नहीं करना चाहिए था रोड में। मैं इसको बोला भी था रोड में मजाक नहीं करने आए, छोटी बच्ची हो गया समझ में नहीं आता, दो जिंदगी और एक स्कूटी चला जवान यही पे यही पे तो ये जो बांस बांस देखने। अच्छा जो बनी तो बांस, अरे बार बार मत बोलो, बहन को बुरा लग रहा। अरे अरे मैं अरे कुछ नहीं, अरे बहन मत रहो, अरे स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा तो अब क्या करे इसका। और हमारा स्कूटी का ना गाइस किक भी नहीं है, अब इसका बैटरी खत्म हो गया या क्या हो गया, अच्छे से आ रहा था ना स्कूटी, अच्छे से आ रहा था तो इधर उधर रोका, तो फिर इधर रखा इसको बहुत डांटा, तो उसके बाद स्टार्ट करो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ए तुमने उसको डांटा ना इसलिए ये गुस्सा हो गया। जंगल के अंदर हम लोग खो गए और साथ में स्कूटी भी खराब हो गया गाइस, अब क्या करें हम लोग। और यहाँ पे ना हाथी वाती भी निकलता रहता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाथी निकलता है यहाँ पे बहुत सारा, जल्दी करते हो निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं चल रहा यार, मैं कॉल कर रहा था तुम लोगों को, कॉल ही नहीं लग रहा था। और ये जंगल सुबह जितना खूबसूरत लगता है ना रात को उतना ही डरावना होता है, लाइक जंगल पे यू ना कुछ भी लाइक जंगली जानवर वगैरह भूत वगैरह, स्पेशली भूत से मेरा बहुत ही फटता है। मम्मा मिया बुरा मत मानना, ठीक है बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती है सेनोरिता। ओ ये बात भी सही हो सकता है, क्या बोला आपने अभी, मेरा स्कूटी बहुत सही है ठीक है, ऐसा कभी गलत नहीं हुआ। कौन सा वाला, कौन सा वाला, हाईवे वाला, मतलब एकदम जंगल में सब कुछ रुक जाता है ब्रो, सीरियसली मेरा फट रहा है। वो तो अच्छा है अभी दोपहर है, रात नहीं, रात होता तो लग जाते है, मुझे लगता है ये प्लेस ही हंटेड है ना बहन। स्कूटी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है गाइस, तो ये जंगल पे हम लोग ज्यादा देर नहीं रुक सकते, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ बैठूंगा मैं और स्कूटी को लात मारूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा पता है यहाँ पे, नेगेटिव एनर्जी की वजह से शायद हो भी सकता है ये। चलो आराम से आराम से, मेरा तो धक धक कर रहा है भाई, एक मूवी की तरह लग रहा है ना ऐसे जंगल के बीच में, लाइक यू नो खराब हो जाता है गाड़ी वगैरह तो सब जन हंसी मजा करते हैं और एक एक जन करके गायब होते हैं, तो हम लोग गायब होना नहीं चाहते, जंगल से हम लोग निकल रहे हैं। कैसे मारे भाई, हमारा पाँव ही नहीं पहुंच रहा है वहां तक, हम कहाँ फंस गए यार, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जवान मूवी देखने जा रहे हैं, हम लोग का ही जवान हो गया गाइस। अगर रात में ऐसा होता ना सच बताता हूँ, पेन में मुंह देता मैं। ओए तुम लोग ना आराम से ऐसे आना ठीक है, हम लोग ना मैकेनिक देख के आते हैं, 7 किलोमीटर दूर है बोल रहा है, हम लोग जा रहे हैं आगे 7 किलोमीटर दूर है बोल रहे हैं, यहाँ पे लोकल को पूछा था बाजे को, मैकेनिक नहीं मिला तो रस्सी लेके आएंगे। चलो अभी हम जे जंगल के बीचों बीच यहाँ पे ना गाइस पूजा हो रहा है, तो यहाँ के लोकल को मैंने बोला हूँ, एक भाई मेरे साथ जा रहा है ठीक है, थोड़ा सा ही आगे है, अच्छा हुआ भाई लोग हमें पहचानते हैं गाइस, तो हम आ गए अपने भाई लोग को लेके, टांगों का टांग बन गया क्यों ऐसे ठेल ठेल के पूरा पैर, अरे भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो भैया लोग आ गया, ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ये जंगल में खराब हो गया, इसमें नेगेटिव एनर्जी है क्या जंगल में, नहीं 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 ना ऐसा ही हुआ, बहन पूरा डर रही है, डरने का बात नहीं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, इसको खोलना पड़ेगा, फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम, तो अभी स्कूटी को ले जाना ही पड़ेगा गाइस। भाई क्या स्पीड चल रहा है, अबे भाई हम लोग से नहीं हो पा रहा था, भैया ने तो भाई पूरा पैर लगा के पूरा स्पीड, अच्छा अच्छा हाँ, हम लोग मैकेनिक के शॉप पे आ चुके हैं, डॉक्टर जी ना चेकअप कर रहा हूँ वहाँ पे ठीक है, और बहन को लगा बहुत ज्यादा भूख, बहन वहाँ पे दुकान है जाके बिस्किट और चाय पी लो ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है अपना जो स्कूटी किसे खराब हो पता है, आठ लीटर पेट्रोल हमने बीवारी पर डाला था ना उसकी वजह से हुआ, क्योंकि फुल पेट्रोल हमने पेट्रोल पंप पे आके डाला ना, तो भैया आप क्या बोला वो फ्यूल इंडिकेटर का क्या प्रॉब्लम,
चलो गाइस यहाँ पे अपना काम चलते रहेगा और हम लोग पेट पूजा करेंगे। ओके गाइस मैं ना आप लोग का एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ, ये आई थिंक वीडियो में कभी भी दिखाया नहीं हो, एक ही बार मैंने डांस वीडियो में थोड़ा सा दिखाया था। बहन तुम देखना चाहोगे? तो लुइस तुम देखोगे? हाँ क्या? चलो पकड़ो, इधर देखो, ये ना मेरा पेट है ना, इधर देखो। कुछ नहीं कर गए इस तो डर ही है तो इस काम में ना ऐसा करते हो मैंने बिस्तर में मदद करते हो दबाना बात ये है ना ना ये क्यों हो कोई हो मासू कोई ये खाली पेट है ना हम और भी ज्यादा छोटा होगा ये पेट है ना कितना महीना हुआ भैया दो महीना किसका है बोलो ना किसका पूजा करा क्या कर दिया आपने ऐसा देखा और जूम करो कैमरामैन नेपाल गया था ऐसा क्या कर दिया पूजा दी आपने भैया को ये यूनिक है ना देखो मत करो खाली बैठे नहीं 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 करो ना नहीं तुम्हारा पेट दिखा तो गाइस हम लोग का खाना आ चुका है गाइस ये रहा चिकन लेग पीस और ये तो वेजिटेरियन है ए तू शुरू कर दे भाई ठीक है और यहाँ पे सबसे स्पेशल गाइस यहाँ पे चटनी भी आया है ठीक है पूरा पूरा घर वाला भाई फिर काफी दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ मिलके ऐसे खाना खाने का मजा ही कुछ अलग है ना टूर पे वाह चटनी A few moments later ए बवा क्या हो गया अरे यार खाना ना लाइक हजम ही नहीं होता मेरे को ना पूरा टट्टी आ गया गाइस टॉयलेट यहाँ से थोड़ा दूर है मैं जा रहा हूँ और स्कूटी का ना बैटरी खत्म हो गया अपना दोस्त लोग ना बैटरी लाने के लिए गया पूरा खर्चा होके ऊपर खर्चा हो रखा है मैं जाकर आ रहा हूँ हम लोग का इंजन ना गाइस बहुत खराब है पता है मुझे लगा था मेरा इंजन खराब है अपना दोस्त का भी इंजन खराब है ये तो कर लिया टट्टी मैं जा रहा हूँ टट्टी करने इसके अंदर गाइस ओ अरे यार छोड़ा ना अच्छा A few inches later मजा आ गया चूना लग गया चूना अपने स्कूटी का ये देखो अभी यहाँ पे मैंने पेमेंट कितना किया 1780 किया क्या हुआ था स्कूटी का इसका जो वायर कट के शॉर्ट हो गया उसको उसका चलते बैटरी खराब हो गया तो बैटरी चेंज किया और आगे का डिस्प्ले भी खराब है अच्छा एयर फिल्टर भी खराब है अभी मूवी देख के घर पहुँच सकता है घर जाने के बाद सर्विसिंग कर देंगे पूरा चूना लग गया गाइस अभी तो बैटरी चेंज किया ना गाइस अभी ऐसे हम लोग चलाता ना गाइस स्कूटी पूरा बंद हो जाता और साथ ही साथ स्कूटी के अंदर जितना भी सारा वायरिंग है ना सबको मतलब बनाना पड़ता खाली आधा इससे ही चला था इसलिए बैटरी एक्सचेंज कर लिया अभी कोई ना मस्त खाना हो चुका है पॉटी कर चुका हूँ अभी जाके बस मूवी देखना है अभी यहाँ से और कितना 25 किलोमीटर है ना कुछ भी यार 30 किलोमीटर है कुछ भी यार ओके गाइस फाइनली हम लोग कुछ भी यार के मॉल पे पहुंच चुके हैं गदर 2 लगा हुआ है टाइगर 3 और यहाँ पे अपना जवान फाइनली गाइस और मूवी जो है ना 5:30 का है तो हम लोग अभी कितना 4:10 हो रखा है अभी जस्ट 10 मिनट पहले जवान ना स्टार्ट हो गया तो ये बोला देखेगा नहीं भाई जो है स्टार्टिंग से देखेंगे जवान मूवी का हमें टिकट मिल चुका है गाइस रॉकी क्या चल रहा है क्या चल रहा है नेपाल वर्सेस इंडिया चल यहाँ पे देखिए बड़े दिनों बाद वन एंड ओनली पूजा जी इज हियर हेलो पूजा जी कैसी हो हमारी याद नहीं आ रही आपको कहा है मिल गया होगा ना कोई सुशील सुंदर हैंडसम लफ्फू सा सचिन मिल गया होगा पहले से काफी ज्यादा इनोसेंट हो गया गाइस मेरे से आजकल ना बहुत प्यार से बात करती है पता नहीं आई थिंक सच में प्यार हो गया पूजा लोग मिल गया पूजा फाइनली पूजा से मिल ही गया देखो भाई उसी की खुशी में रो रहा है अपना दोस्त ये पूजा धोखा दिया मेरे को मेरा भी दोस्त है दोस्त कोई नहीं पर इधर देखो हम दोनों को कैसे दिख रहा है इधर देखो गाइस तुम ओह माय गॉड अच्छा लगता है मैं बोला जेनुइनली इसको अच्छा लगता है लेकिन कोई नहीं आप पूजा नहीं मान रहे तो क्या करें ना कि चिल्लूगा सुना वो सुने आई लव यू व्हाट द बेटा मौज कर दी ओ गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अंदर अभी 10-15 मिनट में हमारा जवान चाचा का मूवी एकदम जवानी से एक स्क्रीन पे प्ले होगा आई एम टू मच एक्साइटेड गाइस पहली बार एक मूवी देखने के लिए 200 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूँ
आई होप कि जो एक्सपेक्टेशन है वो एकदम हाई लेवल का हो हमारा, ठीक है। हम बताएंगे, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको मूवी देखने के बाद। गाइस इंटरवल हो गया है, अभी हम लोग पेप्सी ये लेके जा रहे हैं और मैं आपको हॉनेस्ट रिव्यू पूरा फिल्म खत्म होने के बाद दूंगा क्योंकि मैं अभी कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। इसको ओके गाइस, अभी जस्ट मूवी देख के मैं निकला हूँ बाहर और मूवी एकदम ही टट्टी था, मूवी एकदम ही बेकार था, इससे बकवास मूवी आज तक कभी नहीं देखा। अगर ऐसा आदमी मिलेगा ना उसके तालू पे मैं माथा फोड़ देगा, माँ कसम। मूवी ऐसा था ना, जिंदगी में ऐसा मूवी कभी देखा ही नहीं है। आज से पहले जो भी बॉलीवुड में हो या साउथ में इससे टक्कर देने वाला मूवी कोई आज तक बना ही नहीं है। अब फ्यूचर में कुछ बनेगा वो तो पता नहीं है, बट अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट बॉलीवुड में सबसे बेस्ट, मैं साउथ का तो बात ही छोड़ो, साउथ तो सबसे अलग है, बट जो ये मूवी है एक बार आप लोग जरूर देखेगा। मैं ना इतना क्रेज नहीं था मूवी का, बट जो ये आज देखा हूँ ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। इसको जितना भी अवार्ड दे दो गाइस बहुत ही कम है। ये मैंने क्या देख लिया गाइस, मतलब इतना ज्यादा क्लाइमेक्स है ना कि कुछ समझ में नहीं आया था। ऐसा मन कर रहा है कि अभी जाके फिर एक बार देखो ऐसा मूवी, ऐसा वाला बनाया। बोल तो कैसा है? और मतलब एक मूवी में मतलब सब कुछ, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, उसके बाद रोमांस, मतलब ऑल इन वन मूवी, इतना मजेदार है। और विजय सेतुपति की एक्टिंग भाई मजा आ गया। जो लोग बोलते थे ना किंग खान, मतलब असली में है भाई वो हकदार है किंग खान के, उससे टक्कर देने वाला आदमी अभी तक कोई नहीं है। सबसे ज्यादा हैट्स अप टू डायरेक्टर एंड राइटर, भाई एक ही इंसान है, एडली। कैसा लगा? एक नंबर मूवी, एक नंबर गाइस, मतलब इससे अच्छा क्या आ सकता है। ये तो मेरे को एवेंजर जो है उससे भी अच्छा लगा। बहन आपको मस्त, मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये। हां वो तो है, सही बात। हम लोग इतना दूर से आया, मेन बात पैसा का भी नहीं, इतना टाइम, इतना मेहनत करके आया, वो वसूल हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बात तो भाई ने सही बोला, इतने ज्यादा हम लाइक तकलीफों से सफर करके, लेकिन दुख नहीं होगा उसके। हाँ दुख नहीं होगा, रास्ते में जो भी आएगा ना, अभी शाहरुख खान का जो मूवी का भूत चढ़ा है ना, सबको पेल देंगे। और हाँ सच बता दो, हम लोग का अभी थोड़ा सा फट रहा है क्योंकि हमें वही जंगल का रास्ता होके जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप कि हम सभी के सभी सेफली हम लोग घर पहुंच जाए, ठीक है। गाइस सुबह जिस जंगल से आए थे हम वही जंगल होते जा रहे हैं गाइस। ये जो जंगल है 30 किलोमीटर का है और सच बता रहा हूँ मेरा बहुत ही ज्यादा फट रहा है। आई होप कि हम सारे को कुछ भी ना हो। सची में मेरे को ना काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है। बस जय श्री राम, हम लोग अच्छे से घर पहुंच जाए। ये जंगल है जनाब, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सब जन साथ में चल रहे, होना तो कुछ भी नहीं चाहिए यार। जय श्री राम, जय बजरंगबली।